रही हो? मुझे तो दोनों ही सुंदर लग रही हैं, पर मेरे को वाली ज़्यादा पसंद आई। हाँ, क्लासी लग रही है थोड़ी। इस हाथ को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आउटलाइन दिए बोल्ड करके, दो बार स्मॉल सर्कल दिए हैं, राउंड सर्कल दिए हैं डॉट वाले, ठीक है। और एक एक लाइन को, एक एलिमेंट को क्लैरिटी के साथ बनाया है। और हमने आउटलाइन दी है, चार बार लेयर दी है, सॉरी तीन बार लेयर दी है, फिर उसके ऊपर एक आउटलाइन दी है डॉट वाली, फिर अगेन आउटलाइन दी है, ड्रॉप खींचा है ऊपर, फिर अगेन आउटलाइन दी है, फिर ड्रॉप दिया है। अब हमने राउंड सर्कल दिया, राउंड सर्कल के ऊपर स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के ऊपर वही हार्ट, वही वाला फ्लावर, रोज वाला, गुलाब वाला फ्लावर बनाया। गुलाब वाले फ्लावर के बाद, आउटलाइन देने के बाद, आप बनाइए लीव, लीव की दो आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन बनाने के बाद तीन लेयर, और लेयर के बाद अगर दो लेयर की जगह दो लेयर बनाइए, उसके बाद आप लीव बना दीजिए। गाइस ये ओपनिंग का पैटर्न है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही डिसेंट पैटर्न है। इसको आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से और बारीकी से ये चीज़ें सिखाई हुई हैं। फर्स्ट लाइन को हम बोल्ड करेंगे, सेकंड वाले में हम देंगे लेयर्स, लेयर्स हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, और नीचे हम बनाएंगे बैंड। बैंड के लिए से नीचे आप पहले आउटलाइन दीजिए, आउटलाइन के बाद स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के बाद ऊपर भी स्मॉल सर्कल। गाइस सोचिए, मैं ब्राइडल मेहंदी के बैकहेंड पर लाइव ये मेहंदी लगा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, दिखाने का मोटो ये है कि अगर मैं लगा सकता हूँ तो गाइस आप भी लगा सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जिस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, लाइक बिहार है या फिर मुंबई है, महाराष्ट्र है या अदर कोई स्टेट है, ठीक है, तो अगर वहाँ पर आप लोग अच्छे ट्रेंड आर्टिस्ट बन जाओगे तो गाइस हो सकता है आप भी मेरी तरह मेहंदी लगाना सीख जाएं। और जब आप मेहंदी सीखेंगे मेरी तरह लगाना, तो ऑब्वियसली आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जब मैं ट्रेनिंग को दे रहा हूँ या मेहंदी को लगा रहा हूँ, तो आप उसको पूरे डेडिकेशन से, पूरे कॉन्सेंट्रेट से अटेंड कीजिए, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। जब आप अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से लगा पाएंगे। गाइस इसके अंदर हमने दिया है मधुबनी का एलिमेंट। सबसे पहले हमने इसको राउंड किया है एक मधुबनी के रूप में, जस्ट अपोजिट भी वही किया है। इसके ऊपर स्मॉल सर्कल, सॉरी राउंड सर्कल दिया, राउंड सर्कल के ऊपर स्मॉल सर्कल, उसके ऊपर ये बॉक्सेस वाले पैटर्न, फिर लीव दिए जस्ट इधर और इधर, लेफ्ट एंड राइट साइड पर, और उसके ऊपर हमने दिया है वही राउंड सर्कल, उसके ऊपर स्मॉल सर्कल, फिर हमने ये बनाए हैं बॉक्सेस। अब गाइस हमने फिनिशिंग से पूरा बना लिया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम आउटलाइन को अच्छे से कवर अप कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, और बोल्ड के बाद गाइस पूरा फिलअप करना बहुत ईजी है, जो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अपने टीम मेंबर की, उन्होंने भी क्या किया है, सेम एक बॉर्डर बनाने के बाद उसमें राउंड सर्कल दिया है, राउंड सर्कल के ऊपर स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के ऊपर इन्होंने बॉक्सेस दिए हैं, पूरा फिल कर दिया। गाइस ये मेरा हैंड है, इससे पहले जो आप देख रहे थे वो मेरे टीम मेंबर का है, ज़्यादा फर्क नहीं है। रीज़न क्योंकि मैं अपनी टीम को अपनी तरह ही ट्रेंड करता हूँ, ताकि अगर एक हाथ पे मैं मेहंदी लगा रहा हूँ तो दूसरे हाथ पे वो लगाने की दम रखें, ठीक है। तो ट्रेनिंग हमेशा उस तरह से अटेंड करें जिस प्रकार से आप किसी को समझा सकें, बता सकें या सिखा सकें। जोर बनाएं, पूरे कॉन्फिडेंस से बनाएं। गाइस जिगजैग वाला चेक है मेरा फेवरेट, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली लाइन डालनी है जिगजैग वाली, जिगजैग वाली लाइन डालिए अच्छे से आप, ठीक है। नीटनेस के साथ बनाएं, क्लैरिटी के साथ बनाएं, जो आपको जगह दिख रही है इसके अंदर हम डालेंगे गाइस छोटे छोटे डॉट्स। जो डॉट्स भी बनाएं, डॉट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए, और हर एलिमेंट पे कौन को क्लीन करें, कभी ये ना कहें कि नहीं मैं क्लीन नहीं करूँगा। तो गाइस सोचिए आपके हाथ में जो आप बनाना चाह रहे हैं फिनिशिंग से, वो नहीं बन पाएगा। देखो गाइस राउंड सर्कल दिया है, राउंड सर्कल के ऊपर स्मॉल सर्कल, उसके ऊपर फिर वही बॉक्स वाले पैटर्न, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इसका जो लुक है वो हाईलाइट करता है, जब आप
की मेहंदी में कलर आएगा। तो गाइस यकीन मानिए ये बहुत सुंदर लगते हैं। दो साइड आप लेप बनाइए लेफ्ट एंड राइट साइड पे, और उसके बाद बीच में एक लंबी लेयर, दो साइड में लेयर जैसे मैंने दी हुई हैं, और सिंपली जो जगह बची वहाँ पर एलिमेंट दे दो मधुबनी का। अब देखिए ये पूरा मैं इसी प्रकार से कवरअप करूँगा। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भरना बहुत ईजी है, आप इजीली इसको भर लोगे, लेकिन अगर आप सोच समझ के बना रहे हैं तो गाइस उसकी फिनिशिंग अलग ही लेवल की होती है। देखिए गाइस मैंने आगे पूरा हैंड लगाया हुआ है, पीछे साइड में वो दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा हाथ टेढ़ा है या फिर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्योंकि हमारा हाथ एकदम प्लेन होता है, चाहे वो आगे का हो या पीछे का हो, जब हम उसको हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो टर्न करते वक्त वो चीज़ दिखती है। तो गाइस ये हर किसी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। आप जब भी मेहंदी लगाएं पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे डेडिकेशन से लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी ट्रेनिंग को एक बार नहीं बार बार रिपीट करें, तब तक रिपीट करके देखें जब तक आपको वो चीज़ समझ में ना आए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर मेहनत कर रहे हो, देख के बना रहे हो, तो गाइस आप उसको ना बना पाएं। देखिए गाइस कितनी फिनिशिंग से मैंने दिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अगर प्रैक्टिस में मैंने आपको इस टाइप के पैटर्न दिए ना हो, कई कई बार दिए हैं, बारीकी से आपको समझाया है। मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि आपको मैं आपके घर बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड कराऊं और आपको अच्छे से परफेक्ट एक आर्टिस्ट बनाऊं। देखिए सिंपल सा चेक है, कोई इसमें स्मॉल सर्कल नहीं है, कोई राउंड सर्कल नहीं है, सिंपल से मैंने इसमें लाइन डाली है, लाइन के बाद एक लाइन डाली है, बीच में पुश किया है, हल्के हाथ से छोड़ दिया है, ये देखिए इस प्रकार से टच किया है, पुश किया, हल्के हाथ छोड़ दिया है, ठीक है। एक एक ड्रॉप को कितनी फिनिशिंग से, कितनी क्लैरिटी के साथ बना रहा हूँ। सिंपली टच करें, पुश करें, हल्के हाथ छोड़ दें, टच करें, बीच में कोन को पुश करें, बोल्ड, फिर छोड़ दें, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरा चेक कवरअप करेंगे, जो जगह बच रही है वहाँ पर हम बनाएंगे डॉट्स। क्योंकि गाइस जब ये मेहंदी लगेगी पीछे, इसका कलर बहुत ही फाइन आएगा, बहुत ही सुंदर आएगा। अब चेक के बाद हम बनाएंगे मधुबनी का डिज़ाइन, जो कि बहुत सिंपल पैटर्न है। सिंपली इसको आप टर्न कीजिए मधुबनी के स्टाइल में, और जो जगह है साइड में वहाँ पर आप हल्की सी लीप दे दें, लीप के बीच में तीन लेयर बना दें लेफ्ट एंड राइट साइड में, एक सेंटर में, और इसको अच्छे से आप बोल्ड कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोल्ड करना बहुत ईजी है, मैंने हमेशा कहा है सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको समझना, फिनिशिंग के साथ बनाएं। नीचे हम आउटलाइन देंगे, आउटलाइन के बाद दो बार स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के बाद एक बार हम बनाएंगे राउंड सर्कल, डॉट वाला राउंड सर्कल जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले है कि आप जगह देखें कि आपकी जगह कितनी है, स्पेस के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अब हम नीचे बनाएंगे फ्रेमिंग। सबसे पहले हम गाइस बनाएंगे थंब का पैटर्न, थंब में हम बोल्ड लाइन देंगे, बोल्ड लाइन के बाद स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के बाद बॉक्स वाले पैटर्न देने हैं जो कि मधुबनी बनते हैं। मधुबनी हमें नहीं बनानी है, उसके ऊपर दोबारा स्मॉल सर्कल देने के बाद यहाँ पर आप बनाइए एलिमेंट जो कि आपकी फिंगर्स में हाईलाइट करे। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, लीफ। लीफ लेफ्ट एंड राइट साइड बनाया, एक हमने सेंटर बनाया, बीच में जगह कम है तो गाइस हमने उसके बीच में हल्की सी लेयर दी है, ठीक है। अब हमने आउटलाइन देके इसे कवरअप किया है, इसको हम करेंगे बोल्ड। बोल्ड करना बहुत ईजी है गाइस, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी वैल्यूबल ट्रेनिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाइस। सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक आए। गाइस मेरा नहीं आपका अपना चैनल है। ट्रेनिंग गाइस पूरी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में कॉम्प्रोमाइज कंजूसी बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग सिर्फ ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट गाइस इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप भी एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट बन सकें, ठीक है। तो लाइक जरूर करें, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और भी इंक्रीज होता है ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लाता रहूँ ताकि आप के लिए कुछ भी टफ ना हो। गाइस सोचिए मैंने ब्राइडल मेहंदी को इतनी साधारण तरीके से, इतने इजीली तरीके से गाइड किया है जो कि आप इजीली बना सकते हैं। सिंपली गाइस मैंने इसके अंदर लोटस के डिज़ाइन दिए हैं, लोटस बनाना बहुत ही ईजी है। सिंपल सा एक कैरी बनाएं, उसके बाद तीन लेयर दें, इधर तीन लेयर दें, दो लेयर लेफ्ट एंड राइट साइड, और इसको अच्छे से बोल्ड कर दें। गाइस ये बन गया पूरा लोटस का डिज़ाइन। अब जो जगह है बीच में हमने पार्टीशन दिया हुआ है तीन आउटलाइन डाल के, उसके ऊपर हमने स्मॉल सर्कल दिए हैं, फिंगर को अच्छे से कवरअप किया है स्मॉल सर्कल देके। अब बीच में हम बना रहे हैं चेक, चेक हम बना रहे हैं क्रॉस चेक में, इसके ऊपर हम देंगे स्मॉल सर्कल दोनों साइड। सबसे पहले कि आप जब स्मॉल सर्कल बना रहे हो तो फिनिशिंग के साथ बनाएं, क्लैरिटी के साथ बनाएं। जितना फाइन आपका स्मॉल सर्कल होगा, जितना फाइन आपका डिज़ाइन होगा, मतलब आप बेशक आधे घंटे में पैटर्न लगाएं या फिर 10 मिनट लेट लगाएं, जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना करें। सोचो गाइस इतना टफ पैटर्न है, मैंने आपको इतना फास्टली बताया है,
ताकि आप बोर भी ना हो, कम समय में आप एक अच्छी ब्राइडल मेहंदी का बैक एंड डिज़ाइन लगाना सीख जाएं। कुछ नहीं करना गाइस, देखिए जो मैंने चेक बनाया है, चेक के बीच में एक आप राउंड सर्कल बनाइए फिनिशिंग से, ठीक है, 3 बार राउंड कीजिए, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ठीक है, मतलब 2.5 बार करना है। उसके बाद आपको स्मॉल सर्कल देना है जिसे मैं दे रहा हूँ, उसके बाद 1 बार और स्मॉल सर्कल दीजिए आप, फिर बीच में डॉट डॉट दे दीजिए, बीच वाला जो डॉट है थोड़ा बड़ा लंबा खींच दीजिए। इसी प्रकार से गाइस इसको हम कवर अप करेंगे। देखिए मैंने 2.5 बार इसको राउंड सर्कल को कवर अप किया है, उसके ऊपर 2 बार स्मॉल सर्कल, फिर बीच में बड़ा वाला ड्रॉप खींच दीजिए, साइड में छोटे छोटे ड्रॉप्स। मतलब ये बहुत ही इजी है और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जब लाइक जो ब्राइडल हैं अगर वो जयमाला पकड़ रही हैं, ओवरऑल जो भी है, तो लुक उसका बहुत अच्छा लगता है। आई होप गाइस ट्रेनिंग में आपको यकीनन मजा आया होगा। देखिए गाइस कितना प्यारा पैटर्न है, मतलब एक एक चीज़ को, एक एलिमेंट को, एक डिज़ाइन को मैंने कितनी सुंदरता से फिनिशिंग से लगाया हुआ है। पूरा आप डिज़ाइन देखो। अब हम बात करते हैं फिंगर के डिज़ाइन की। फिंगर पर हम क्या देंगे वो ध्यान समझिए। सबसे पहले देखिए गाइस मैंने ऊपर चेक की तरफ जो मैंने लाइट दिया हुआ है, तो चेक के नीचे सिंपल सा है कि हम मधुबनी का डिज़ाइन डालने वाले हैं, क्योंकि जब हम मधुबनी का डिज़ाइन डालेंगे तो सिंपल सी बात है चेक हमारा जो है वो हाईलाइट करेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो इनकी ये रिंग फिंगर है, ठीक है, इस फिंगर पे इनका हम नाम लिख रहे हैं इनके हवी का, जो कि इनकी डिमांड है। इनके हस्बैंड का नाम पढ़ लीजिए आप, इन्होंने जस्ट लिखवाया है, तो हो सकता है कुछ बड़ा नाम हो, तो इन्होंने इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में उसको जस्ट लिखवाया है। और हम अब क्या करेंगे, एक बार बोल्ड किया है, स्मॉल सर्कल दिए 2 बार, फिर हमने बॉक्सेस दिए, फिर हमने अगेन बॉक्सेस दिए, स्मॉल सर्कल दिया। अब जो जगह है यहाँ बनाएंगे मधुबनी का एलिमेंट, तो उसके लिए सिंपल सी एक ही मधुबनी है जो बहुत ही सिंपल होती है, सिंपल सी बनाइए आप लीफ दोनों साइड, और उसको आप अच्छे से बोल्ड कर दीजिए, बीच में लेयर दे दो। तो गाइस ये हमारी मधुबनी का डिज़ाइन ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा और ये हाईलाइट भी कर रहा है। गाइस जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या कम्युनिटी में देखा होगा, मैंने ये डिज़ाइन पूरा डाला हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, सोचिए कितना सुंदर लगता है डिज़ाइन। और जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं देखा है, मेरे इंस्टाग्राम को नहीं देखा है, तो उसको आप अभी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल है @राजमेहंदीडिजाइनर, मोर देन 5.5 लाख से अब मेरे फॉलोवर्स हैं। तो गाइस आई होप आपको पूरी ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, एक एक एलिमेंट को, एक डिज़ाइन को अच्छे समझिए और बार बार प्रैक्टिस करें। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस।